बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद कर तो खैरी से होंगे। अच्छा जी, अब हम आज का है जी हमारा टॉपिक व्हाई कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ। और ये जो मेरी वीडियो है और ये जो टॉपिक है, ये कोर्स जो हमारा मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लर्न एसईओ विद उमर फहीम, इसका चैप्टर नंबर 12 है। तो अगर आपने पिछली 11 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज मेक श्योर वो 11 वीडियोस पहले जाके देख लीजिए, ताकि फिर आप एक सिमेट्री के थ्रू आएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू आएंगे, तो आपको चीजों की समझ आ जाएगी। लेकिन आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी, व्हाई कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ। हम क्यों कहते हैं जी कंटेंट इज किंग, कंटेंट के बगैर एसईओ नहीं हो सकता, या एसईओ जो है वो कंटेंट से रिलेटेड है। बेसिकली कंटेंट और एसईओ का जो है वो आपस में एक रिलेशन है, एक बॉन्ड है। आप किसी भी वेबसाइट को बिना कंटेंट के, बिना एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के रैंक नहीं कर सकते। दैट्स नॉट इवन पॉसिबल विदाउट एनी कंटेंट एंड एसईओ स्ट्रेटजी। जब मैं बात करता हूँ जी कि कंटेंट इज किंग, कंटेंट को किंग क्यों कहा जाता है, और सारे मार्केटर्स जो है वो इस बात पे क्यों एग्री करते हैं कि कंटेंट इज किंग, तो इसकी रीजन ये है जी कि जो कंटेंट है ना, बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कंटेंट आपका किसी भी फॉर्म में इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। जब मैं इंटरनेट की बात करता हूँ, इंटरनेट एक जो दुनिया है वो कंटेंट की दुनिया है, ठीक है। इंटरनेट इज अ रियल्म ऑफ कंटेंट, ठीक है, जहां पे आपका ऑडियो कंटेंट भी है, वहां पे आपका टेक्स्ट कंटेंट भी है, आपका वीडियो कंटेंट भी है। और हम अगर कंटेंट को डिफाइन करें तो एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इधर इट्स फॉर्म ऑफ ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो, विच इन्फॉर्म्स, एंटरटेन्स, एनलाइटन्स और टीचेस द पीपल हु कंज्यूम इट, ठीक है। जो भी लोग, जो भी एंड यूजर आपके इंटरनेट पे आपका ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट कंटेंट आपका, जिसे कहते हैं यूटिलाइज कर रहे हैं, या उससे नॉलेज ले रहे हैं, या उससे एंटरटेन हो रहे हैं, या उससे अपने आप को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, दैट इज कंटेंट, ठीक है। और अगेन, इंटरनेट पे आपको मिलेगा क्या कंटेंट? इन फॉर्म ऑफ लिंक्स, इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। तो वो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं, वेब बिजनेसेस भी हो सकती हैं, हर किस्म की एक चीज हो सकती है। और उन्हीं चीजों का आपने करना होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। SEO वैल्यू ऑफ कंटेंट क्या होती है, ठीक है। हम कहते हैं जी जो गूगल है वो आपका सर्च इंजन के अंदर जो है वो सब के अंदर वो किंग है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपका डेली बेसिस पे 3.5 बिलियन सर्चेस परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। ये जो सर्चेस परफॉर्म हो रही है ये क्या है? ये क्यूरीज है। ये क्यूरीज क्या है? ये चंक्स एंड बिट्स ऑफ कंटेंट है। चंक्स एंड बिट्स ऑफ कंटेंट लोग सर्च करते हैं, उसके अराउंड उनको कंटेंट की वेबसाइट्स वगैरह मिलती हैं, या आर्टिकल मिलते हैं, या ब्लॉग मिलते हैं, या सोशल चैनल या वीडियोज मिलती हैं, ठीक है। जब भी आप कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएं फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर बिजनेस, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थ्री नहीं कहूंगा, दीज फोर टू फाइव थिंग्स। सबसे पहले, योर कंटेंट नीड्स टू बी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। जो भी कंटेंट लिखा है, जो भी बना रहे हो, वो यूजफुल भी हो और इन्फॉर्मेशन भी हो, आपका फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपका वैल्यूएबल कंटेंट हो और यूजफुल देन अदर साइड्स, जो आपके कंपेटिटर हैं उनसे आपने बेहतर और अच्छा कंटेंट बनाया हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज है इसके अंदर। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कंटेंट की, कोई आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट ना बनाया हो कि आपने कहीं से उठाया और कंटेंट बना के डाल दिया, वो ना हो, वो फिर आपका प्लेजरिज्म में आ जाता है। आपके क्वालिटी बहुत अच्छी हो कंटेंट की, फॉर एग्जांपल आपने लिंक्स वगैरह भी अगर उसमें यूज किए, आपने बैक लिंकिंग स्ट्रेटजी लगाई है, तो प्लीज मेक श्योर योर बैक लिंक्स, दे नीड्स टू बी ऑथेंटिक, ताकि वो एक ऑथेंटिक जूस पास हो। अगर गूगल क्रॉलर को या गूगल बॉट को ये इमेज आएगा कि ये ऑथेंटिक इसने लगाए, क्योंकि गूगल आपके अब क्वांटिटी ऑफ लिंक्स पे फोकस नहीं करता, क्वालिटी ऑफ लिंक्स पे वो फोकस करता है गूगल जो है आपका। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कंटेंट एंगेजिंग हो। अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग होगा तो लोग उसके ऊपर, जिसे कहते हैं ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब आपका कंटेंट एंगेजिंग कैसे हो सकता है? आप उसमें इमेजेस यूज कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स कर सकते हो, उसमें बटन्स लगा सकते हो, इंटरनल लिंक्स लगा सकते हो, एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हो, CTAs दे सकते हो, वीडियोस वगैरह लगा सकते हो, इस तरह अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हो, ठीक है। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन, जिसे कहते हैं जो मैंने बनाया है, उसके साथ मैं आपको अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजीज आपको उसका आंसर दूंगा। हाउ टू क्रिएट एन ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे बना सकते हो? सबसे पहली चीज है जी, पहली स्ट्रैटेजी लिख लीजिए। सबसे पहले यू नीड टू परफॉर्म अ कीवर्ड रिसर्च, आपको एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है। इसके टूल्स मैं आपको सारे ऊपर बता चुका हूँ, उस पिछली वीडियोज में जाके देख लीजिए। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना, टॉपिक नेम, ठीक है। जो टॉपिक नेम है दैट नीड्स टू बी योर टाइटल टैग, ठीक है, आपका टाइटल टैग भी होना चाहिए। फिर आपने अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है, इधर यू नीड टू यूज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, इधर यू नीड टू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आई सजेस्ट यू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करोगे तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाएंगे।
फिर जो भी आपने अपना रिसर्च टूल यूज़ करना है, प्लीज़ वो वाला रिसर्च टूल कीजिए जो आपको रिजल्ट्स काफ़ी ऑथेंटिक देता हो, आपको डेटा काफ़ी अच्छा देता हो, यूज़र्स के जो कंज्यूमर बिहेवियर के स्टैट्स हैं वो आपको काफ़ी ऑथेंटिक मिलते हो, आपको समझ आती है उस टूल से कि आपके यूज़र्स ये सर्च कर रहे हैं इस टाइम पे। अपना जो टॉपिक है उसके अंदर अपने कीवर्ड्स को एनरिच करो, अपने यूआरएल में डालो, टाइटल टैग में डालो, अपने इमेज एसईओ में डालो, वीडियो एसईओ में डालो, इंटरनल लिंक्स में डालो, ठीक है, इमेज और एट्रीब्यूट्स में डालो, और अपने टॉपिक को अपना कोर कीवर्ड अपने टॉपिक में भी इंक्लूड करो टॉपिक के नेम के अंदर। जब अपना ये कर लिया फिर आप अपनी आउटलाइन डिसाइड करो कि आपने क्या क्या बनाने हैं पैराग्राफ्स, किन किन पैराग्राफ्स में क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स डेंसिटी एंड प्लेसमेंट अब आपने इसके अंदर लेके आनी है। फिर अब आपने ऑप्टिमल रीडेबिलिटी कि अब आपका आर्टिकल किस तरह का बनेगा, उसकी शेप क्या होगी, उसके लिए आपको एक आउटलाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा अपने टॉपिक स्टिक टू योर टॉपिक और ए टारगेट कीवर्ड, जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है और आपका टॉपिक है उसको स्टिक रहिए, उससे हट के किसी और टॉपिक पे मत लिखिए। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है एक आर्टिकल, लेट्स से मेरे पास ये नोट 5 है तो मैंने नोट 5 पे एक आर्टिकल लिखना है, तो मुझे नोट 5 के सारे प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ेंगे, नोट 5 के बारे में बताना पड़ेगा, मैं नोट 10 के बारे में नहीं लिख सकता, मैं टॉपिक से हट जाऊंगा, ठीक है। आई नीड टू स्टिक टू माय टॉपिक, आई नीड टू राइट एन आर्टिकल इन नोट 5, मुझे इसके प्रोज बताने पड़ेंगे, इसके कॉन्स बताने पड़ेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये आज कम हाँ कंपैरिजन में दे सकता हूँ कि नोट 10 के साथ, बट अगेन मैं खाली स्पेसिफिक नोट 10 का बताऊंगा तो मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। तो ऑलवेज स्टिक टू योर टॉपिक। बैकलिंक्स आप इंक्लूड कर लीजिए अगर आपने करने हैं, बट प्लीज इंक्लूड द बैकलिंक्स इन फॉर्म ऑफ इंटरनल लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। अपने हाइपरलिंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। और प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, CTA स्ट्रैटेजी। आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट SEO आपने किया हुआ, कस्टमर नीड्स टू प्लेस एन ऑर्डर, वो कहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा, आपने CTAs लगाने, कॉल टू एक्शन हर हाल में अपना एंड ऑफ द आर्टिकल लगाने, ये स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कीजिए, इंशाल्लाह यू विल गेट द वेरी रिजल्ट्स, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू।